आ गए हैं और यहाँ पर और सभी लोग भी यहाँ पर इंटर कर गए हैं। ये ऐसा जगह है सारनाथ का जहाँ पर अपना बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो चलिए देखते हैं वो स्थल कहाँ पर जहाँ पर बुद्ध अपना उपदेश देते हैं लोगों को। आइए आगे चलकर एक जगह है जहाँ पर बुद्ध ने आकर प्रथम बार अपना उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, वो जगह भी हम लोग देखेंगे जहाँ पर बोधि वृक्ष भी है। खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। सारनाथ प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए। ये वो सारनाथ की जगह है जहाँ से एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मेटल्स का जो घंटा था बेल, जिसकी चोरी की गई थी, अंदर था यहीं पर, यहाँ से चोरी हुआ था। और आज काफ़ी भीड़ भी है, सावन का महीना चल रहा है तो सावन में सारनाथ में काफ़ी भीड़ भी रहता है। देख सकते हैं आप लोग भीड़ों को यहाँ पर, और यहाँ पर सब अच्छे से सेल्फी भी ले रहे हैं सब। ये बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि एक बार सारनाथ देख। ये सारनाथ में ये एक मंदिर है क्योंकि यहाँ पर शिव का भी मंदिर है। ये शिव की इसके अंदर ये जो देख रहे हैं इसके अंदर बुद्ध की जीवनी को दर्शाया गया है कि बुद्ध के पूरे जीवन गाथा को बताई गई है कहानियों के रूप में, चित्र के रूप में दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ये पार्क है सारनाथ का। ये बनारस का बहुत प्रसिद्ध जगह है, आप लोग देख सकते हैं। इस समय हम लोग वहीं पर आए हैं और ये वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर जूते चप्पल रखने वाले भी बहुत कुछ है, बहुत व्यवस्थाएं हैं। आप लोग एक बार आइए और घूमिए, हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करते हैं आप लोग को घुमाने फिराने के लिए। ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आप लोग को अभी वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा हम लोग दिखाएंगे। अभी वहाँ पर ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने, फॉरेन, फ्रांस वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड से। चिड़ियाघर में जाने का टिकट सेंटर है जहाँ पर टिकट कटा जाता है, लोग यहाँ पर अपना टिकट कटवा रहे हैं इंटर करने के लिए। अंदर चिड़ियाघर जो है, जू पार्क है, इसका नाम है मिनी जू पार्क। वो जगह जहाँ पर थोड़ी बहुत मछलियाँ जिलाई गई हैं वो जगह है। यहाँ पर नेचर के बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, प्रकृति का एकदम खूबसूरत नज़ारा है। देखिए अब ये इंटर कर रहे हैं हम लोग मिनी जू पार्क में। मिनी जू डियर पार्क कहा जाता है जिसे, डियर पार्क है। यहाँ पर हिरन कुछ दिखाई देंगे आपको, हिरन भी दिखाई देंगे। तो चलिए अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नमामि गंगे के तहत कौन कौन से हैं। यहाँ पर काला हिरन है, चीतल है, और मगरमच्छ, घड़ियाल। और घड़ियाल को पहली बार मैंने देखा कि एलिगेटर की बजाय गेबियल भी नाम होता है। कछुआ है, ये सब कुछ जगह है। ये सारनाथ का मिनी जू पार्क है जहाँ पर बहुत से स्कूलों के बच्चे आते हैं, हर एक दिन सावन के पूरे महीने भर आते हैं यहाँ पर। तो टूर आता रहता है यहाँ पर, जगह जगह से आते हैं। ये देखिए उसका यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं, आप देख रहे होंगे।
हवासिल, हवासिल बर्ड्स है, इसी में कुछ बत्तख भी है। हमारा छात्र एक अभय भी देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी बेचारा अपना बना रहा है, ठीक है। तो उसका भी एक चैनल है, जो लोग देख रहे होंगे, चैनल का क्या नाम है? अभय पटेल 1723। तो अगर ये वीडियो इससे रिलेटेड उस चैनल में मिल जाएगा तो उस चैनल को भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनको देखना हो तो जाकर उस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये सब बच्चे आए हैं टूर पे, सब बहुत प्रसन्न चित्त हैं। जो लोग टूर देखने आते हैं यहाँ पर खुशी रहते हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट को देखकर, इन्वायरमेंटल कल्चर को देखकर यहाँ बहुत खुश होते हैं सब। तो सब लोग आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी जो मुझे उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर देखे, बच्चे को कुछ होते हैं जो सरकने के लिए होता है, स्लीपिंग होता है, वहाँ पर अपना सरकते रहते हैं। और ये है हिरन पार्क, हिरन पार्क नहीं मगरमच्छ पार्क है, जहाँ पर मगरमच्छ दिखाई देंगे आपको। चलिए आपको मगरमच्छ दिखाते हैं, और कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं, बर्ड्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए पहले बर्ड्स दिखाई दे देते हैं। बर्ड्स दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ये लग रहा है कि बहुत छोटे हैं। इसका नाम है बजरीगर, ऑस्ट्रेलियन पक्षी है ये बजरीगर, ऑस्ट्रेलियन पक्षी। एक बार जूम करते हैं, अगर क्लियर दिखाई देगा तो ठीक है। देख रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा। देखिए मगरमच्छ दिखाई दे रहा है पानी में ये, लेकिन ये मगरमच्छ है आधा डूबा है। हाँ, क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी है, घड़ियाल वो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर ही रहता है वो भी, लेकिन फिलहाल अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये अंदर गया, अभी ये भी अंदर चला गया, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पर जिन्हें आप लोग देख रहे होंगे, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बड़े खूबसूरत ये बर्ड्स हैं। ये देखिए सारस है, ये पेड़ पर बैठा लेकिन क्लियर आ नहीं रहा है, क्योंकि बाहर से घेरा गया है इसलिए वो दिखाई नहीं देगा साफ क्या है। ये नीचे कुछ पानी है, इसमें मछलियाँ छोड़ी गई हैं, जिनमें ये बर्ड्स क्या करते हैं, जाकर उनमें से अपना बराबर मछलियों को खाते रहते हैं, जिससे इनका भी जीवन यापन चलता रहता है। और इसमें कुछ ये जो देख रहे हैं लंबे पैर वाले, ये सारस हैं। आईमू देखिए, ये दुनिया का दूसरा न उड़ने वाली पक्षियों में सबसे बड़ी पक्षी है, ये उड़ने वाली पक्षी नहीं है, शुतुरमुर्ग के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी पक्षियों में गिनती होती है, दूसरे तीसरे नंबर पे आती है ये आईमू। क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन देख लीजिएगा, ये है आईमू। ये बर्ड्स है जो सारनाथ के चिड़ियाघर में है, यह ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स है जिसे भारत में लाकर रखा गया है। इंडेंजर्ड स्पेसिज नहीं है, ये इंडेंजर्ड है लेकिन इंडेमिक नहीं है, ये इंडेंजर्ड है लेकिन इंडेमिक नहीं है। जू पार्क में ये शाही यहाँ पर एक एनिमल्स है, जो कि ये भी रोडेंटम जीवों में आता है, और ये भी ज़मीन के अंदर गुफा बिल बना करके रहता है। चलो देखते हैं कैसा है आखिर वो, सांप नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके शरीर में बड़े बड़े ये कांटे होते हैं जो कि इनको आक्रमण करने वाले से इनको बचाता है। ये सारनाथ में एक तालाब है, जहाँ पर जो घूमने आते हैं सारनाथ में, तो बहुत बार इस तालाब में अपना नौका विहार भी करते हैं। हमने भी एक बार किया है यहाँ पर नौका विहार, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद रहता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नाव चल भी रही है बीच में, जहाँ पर अपना घूम रहे हैं।
बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ के। यहाँ पर सारनाथ में अधिकतर तो इसे कपल्स ही जाते हैं, घूमने के लिए फेमस जगह भी रहा है सारनाथ। चलिए आगे देखते हैं, पहले ये जो तालाब सामने जलभूमि दिखाई दे रही है, पहले ये साफ हुआ करता था, फ्रेश हुआ करता था, लेकिन अब जलभूमि उसमें जमावड़ा बहुत हो चुका है, एकदम हरे भरे हो गए। ये है यहाँ सारनाथ में अंदर झूले सब लगे होते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के अधिकतर ही टूरिस्ट आते हैं। अंदर जो मेले लगेंगे वहाँ भी झूला इसे मिलेगा आपको देखने को, यहाँ पर जो झूले से लगे हैं। यहाँ से क्या होता है नेचर ट्रेल, नेचर ट्रेल का मतलब होता है कि यहाँ से प्रकृति के अच्छे चिन्ह दिखाई देंगे। लिखा है नेचर ट्रेल मतलब हमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि प्रकृति के साथ चलना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इधर झूला उड़ा लगा है, पूरे क्षेत्र को भी देखते हैं और वहाँ का भी आनंद लिया जाएगा देख कर वहाँ से भी। आप लोग देख सकते हैं नेचर ट्रेल में हम लोग हैं इस समय सारनाथ में, और ये आप लोग नेचर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए वो हमें ये बताते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे नदियाँ, और आप लोग को आगे बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं नदी भी है, नदी एक तरह का पोखरा है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मछलियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और हम लोग सर से बात कर ये भी देखना पसंद करते हैं, बहुत लोग सर से बात करेंगे देखने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का ग्रुप आ रहा है। ये सारनाथ का मृगदा और इसी पत्नम है। पहले ये जो सारनाथ आप देख रहे हैं, पहले ये वन ही हुआ करता था, जिस वन का नाम था मृगदा और इसी पत्नम, बुद्ध के समय में यही पर उपदेश दिए थे। चलिए देख लीजिए ये सभी लोग इस साथ कहीं है। वृक्ष धरा का भूषण दूर करे प्रदूषण, बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी है। इसका मतलब अगर इस पृथ्वी को जिंदा रखना है तो प्रदूषण मुक्त करना भी हमारा ही कर्तव्य है। इसका मतलब यहाँ के पेड़ पौधे इन सबको जीवित रखेंगे, जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन बराबर बढ़ी रहेगी। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि सारनाथ का वो जगह जहाँ पर बुद्ध, जो एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे और चार लोग पाँच लोग बैठे हुए हैं, तो ये जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ये जो वृक्ष है बोधि वृक्ष, तो यहीं पर अपना उपदेश दिया था उन्होंने, और ये पांच के पांचों ब्राह्मण थे। ऐसे ये वीडियो ठीक से आ नहीं पा रहा है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब वहाँ पर जाएंगे अंदर तब ना, अंदर भी तो एंट्री अलाउड नहीं है, जाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। बाहर से बस देख लीजिए कि इसी जगह पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये जो सामने स्तूप दिखाई दे रहा है ये धम्मेक स्तूप है। ये स्तूप का मतलब होता है कि जिनमें बुद्ध के मृत्यु हो जाने के बाद उनकी अवशेषों को रख करके उन पर बड़े बड़े पत्थर ये सब गाजे गए हैं, वही वाला स्तूप है सामने धम्मेक स्तूप, जो कि सारनाथ का बहुत नामी है, विश्व विख्यात ये धम्मेक स्तूप है। देख लीजिए दिखाई दे रहा होगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का भी। विश्व विख्यात धम्मेक स्तूप आप लोग देख रहे होंगे अभी, ये सारनाथ में है जो कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है। सारनाथ तो इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर तीन धर्मों का केंद्र है, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म और एक हिंदू धर्म का केंद्र है। यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो थे सारंगनाथ, उनका भी केंद्र है क्योंकि बनारस के वो रहने वाले थे। और ये आप लोग स्तूप देख रहे होंगे, स्तूप का मतलब है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष बचे थे जलाने के बाद, तो उन्हीं पर जो पत्थर उत्थर गाज के बहुत बड़ा टीला बनाया जाता था जिसे स्तूप कहा जाता था, तो वही है बहुत प्रसिद्ध है। ये देखा होगा आप लोगों ने बहुत बड़े चित्र में। बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो उन्होंने बौद्ध धम्म था, यानी बौद्ध धम्म जो बनाया था बौद्ध ने, उसमें जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे उस अष्टांगिक मार्ग को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने इस जगह को बनाया था। इस स्तूप के अंदर क्या होता है कि बुद्ध
से चलाने उलाने के बाद जो राख प्राप्त हुए थे बुद्ध के या वो जिन जिन वस्तुओं को उपयोग करते थे उन अवशेषों को नीचे रख करके उनके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर लाए गए ताकि लोग यहाँ पर आए इसको एक प्रकार के ज्ञान का प्रतीक माने बुद्ध का प्रतीक माने और ज्ञान मिला गया है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम था धर्मे विष्णु जो सारनाथ में स्थित है। बुद्ध यही प्रकार का उपदेश भी दिए थे वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। चलिए देखिए हम लोग आए हैं सारनाथ का टूर करने के बाद दीनदयाल जो हस्तशिल्प जो मोदी जी के बनवाया गया है दीनदयाल संग्रहालय ये है। यहाँ देखिए बुद्ध का एक बनाया गया बुद्ध का उद्देश्य, बुद्ध का उद्देश्य अपने जीवन में तीन सत्य बनाया था, चार आर्य सत्य बताया था बुद्ध ने, जिसमें था कि संसार में दुख है, दूसरा बताया था कि दुख का कारण है, तीसरा बताया था दुख का निवारण है और चौथा उन्होंने बताया था कि अगर दुख के निवारण हो तो निवारण के लिए आठ मार्ग है। ये आठ मार्ग यही लिखा गया है यहाँ पर। सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि हमें उचित निगाह बना कर रखनी चाहिए किसी के साथ, जैसे कि सदाचरण है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, सम्यक का मतलब होता है उचित संकल्प, हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो उचित हो। और तीसरा है सम्यक वचन, हमें हमेशा ऐसा वचन बोलना चाहिए जो उचित होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा वचन बोल दिया और झापड़ झापड़ मार खाने लगे, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। फिर सम्यक व्यवहार और सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध के ये आठ मार्ग हैं, तो चार इधर है चार उधर है। सम्यक निर्वाह, हमें उचित जीवन निर्वाह करनी चाहिए। फिर एक है सम्यक प्रयत्न, फिर सम्यक विचार और सम्यक ध्यान।